हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना सारा मछलियाँ जो है मेरे तालाब में अभी जो है दाना खा रही है। और चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये मछलियाँ कितने दिन में इतनी बड़ी हुई है और कितना इसको हम अभी तक दाना खिला चुके हैं। आपको पता होगा कि हम अपने तालाब में जो है 30,000 कॉमन कार्प और ग्रास कार्प का सीड डाले थे, ये वही मछलियाँ है। और आपको ये भी पता होगा कि हम कितना जीरो साइज का यानी कि सीड डाले थे अपने तालाब में, बिल्कुल ही जीरा था। और चलिए आपको बताते हैं कि ये कितने महीने में ये इतना जो है वेट ग्रहण कर रखी है और कितना अभी तक हमने इसको दाना खिलाया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी जो है हम मछली का जो है साइज देखने के लिए उसमें दोस्तों ऊपर ही फीडिंग कराते हैं, जैसे कि कुछ चोकर ले लिए या दाना ले लिए उसको ऊपर से फेंकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा जितना भी वीडियो देखेंगे हम अपने मछली को बैक फीडिंग ही कराते हैं, लेकिन आज जो है इसको चोकर ऊपर से फेंके हैं तो जिसके कारण सारा मछलियाँ जो है जितनी भी मछलियाँ ऊपर आकर दाना ग्रहण कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा संख्या में है। और जब जब हम दोस्तों इसमें तालाब में ऊपरी मतलब कि दाना छींटते हैं, जैसे कि ऊपर से कोई दाना छींटते हैं तभी ये मछलियाँ दिखाई देती हैं, अन्यथा ये दिखाई नहीं देती है, पता भी नहीं चलता कि तालाब में मछलियाँ हैं। और क्योंकि दोस्तों जो है ऐसा होना भी चाहिए, अब हमेशा आपकी मछली अगर ऊपर ही दिखाई देती है तो वो आपको संकेत रहता है कि अपने मछलियों में रोग लगने का। और ये मछली दोस्तों जो है अभी फिलहाल दाना के लिए ऊपर आई है और दाना खाकर नीचे चली जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर इसको कितना दिन हुआ हमको तालाब में डाले हुए। तो हम आपको बता दें कि इसको लगभग दोस्तों जो है 5 महीना हो गया है, 5 महीना से प्लस ही दिन हुआ है और इसको तालाब में डाले हुए हमको दोस्तों 5 महीना हो गया। और 5 महीना में देख सकते हैं कितना ग्रोथ किया है ये मछली, हालांकि आपको कम ही लग रहा होगा ग्रोथ। तो चलिए अब बताते हैं कि इसको फीडिंग हमने कितना दिया था। फीडिंग के हिसाब से दोस्तों इसका ग्रोथ सही है, क्योंकि हम जितना अगर आप मछली को फीडिंग कराते हैं उसी के हिसाब से आपके मछलियाँ ग्रोथ भी करेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसको अभी तक 5 महीना के अंदर कितना फीडिंग दिया है। तो अभी तक हम इस मछली को दोस्तों तकरीबन 4 क्विंटल तक फीड खिला चुके हैं, जो कि होममेड फीड। आप देखते होंगे कि हम जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे होममेड फीड बनाया जाता है और हम अपने तालाब में डालकर भी दिखाते हैं। तो वही फीड हम दोस्तों इसको 4 क्विंटल लगभग खिला दिए हैं, तब जाके आप देख पा रहे होंगे कि इतना बड़े बड़े मछलियाँ हो गई है। और हम अपने तालाब में बिल्कुल जीरा साइज का सीड डाले थे और 5 महीना में ये ग्रोथ रहा। तो ये जो है ग्रास कार्प और कॉमन कार्प के इसमें मछलियाँ हैं, इसलिए इतना कम फीड हम इसमें खिलाए हैं। और मेरे तालाब में दोस्तों नेचुरल फीड हमेशा रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि पानी इसका जो है हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप का रहता है, जो कि प्लांटम जो है अच्छे तरीके से मेरे तालाब में बना रहता है। और जाहिर सी बात है जिस तालाब में दोस्तों अच्छे तरीके से प्लांटम बना है उसमें अगर आप दाना कम भी खिलाते हैं तो आपकी मछलियाँ ग्रोथ करेगी, खासतौर पर IMC मछलियाँ। तो चलिए ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।